नमस्कार न्यूज अड्डा ओडिशा रो स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुछि मु पुण्यदु दर्शक बंधु आगामी नवंबर मास रे मध्यप्रदेश रे विधानसभा निर्वाचन होई पारे तेणु मध्यप्रदेश राजनीति एबे पूरा सरगरम रहिछि उभय शासक बीजेपी एवं विरोधी कांग्रेस मध्य रे छक्का पंजा चलिछि एई किछि दिन तळे हिंदुत्ववादी बजरंग सेना कांग्रेस रे निजकु शामिल करिछि एहा परे राज्य राजनीति रे हलचल देखिबा को मिलिछि कारण बीजेपी सबुबले हिंदुत्व प्रसंग को अधिक गुरुत्व दे था किंतु बजरंग सेना कांग्रेस रे शामिल हेबा परे एबे मध्यप्रदेश रे आलोचना हेबा आरंभ होलाणी कांग्रेस मध्य हिंदुत्व को आधार करी निर्वाचन मैदान को ओल्हाइबो बजरंग सेना नेता माने पूर्वतन मंत्री दीपक जोशी कर अति निकटतम अटंती निकटरे दीपक जोशी बीजेपी छाड़ी कांग्रेस रे जोग देबा पई मनस्थ करथिले एहा परे बजरंग सेना मध्य कांग्रेस रे शामिल होईछि एक स्वतंत्र मिश्रण पर्व बजरंग सेनार नेता माने एक विशाल गदा राज्य कांग्रेस मुख्य तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रदान करथिले एवं कांग्रेस रे शामिल होइथिले जय श्रीराम रो स्लोगन मध्य देथिले एहा परे मध्यप्रदेश रे आलोचना हेउछि बजरंग सेना बीजेपी को आगामी विधानसभा निर्वाचन रे विपद रे पकाई पारे एही मिश्रण उत्सव रे कमलनाथ सीधा सड़क बीजेपी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टार्गेट करथिले से कहते शिवराज सिंह चौहान आगामी निर्वाचन को दृष्टि रखी पखापाखि 20,000 घोषणा कर सारे जो थी किसी भी कार्यकारी होना एवं निर्वाचन पखे आसुवर शिवराज सिंह चौहान राज्यर महिला युवक एवं कर्मचारी कथा मन पड़ी गत 18 वर्षर शासन में समय से किसी भी करना से बजरंग सेना राष्ट्रीय सभापति रजनीश पटेरिया आगामी निर्वाचन में बीजेपी को हरबा मूल लक्ष्य अटे 2018 निर्वाचन में बीजेपी लोकों मत को ठकी सरकार गठन कर 2018 मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन में 230 आसन विशिष्ट विधानसभा 114 आसन में कांग्रेस विजयी होता बेले 109 आसन में बीजेपी विजयी हो द्वितीय स्थान में रही किंतु कांग्रेस रे ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्रोह पर से निजे एवं समर्थक विधायक मैंने बीजेपी रे जोगदेबा परे बीजेपी सरकार गठन करथिला एबे बजरंग सेना बीजेपी विरोध रे विद्रोह करबा परे केउठी ना केउठी बीजेपी विपद रे थिबा आलोचना हेउछि आजर ए स्वतंत्र अध्याय को एठ रखुछि विदाय दियंतु नमस्कार।